क्यूबा का क्यू डॉट लॉक चुनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका क्यू डॉट डिजिटल लॉक फोर वे एक्सेस मोड्स में आता है, फिंगरप्रिंट, RFID कार्ड, पासवर्ड, मोबाइल ऐप। चलिए क्यू डॉट डिजिटल लॉक को अनबॉक्स करें। फ्रंट पैनल, बैक पैनल, स्ट्राइक बॉक्स, स्ट्राइक प्लेट, स्क्रू सेट, दो RFID कार्ड्स, 4 AA बैटरीज, यूजर मैनुअल और ड्रिल शीट, वारंटी कार्ड। इंस्टॉलेशन की तैयारी। ये ध्यान रखें कि डोर की थिकनेस 35 से 50 मिलीमीटर तक हो। ड्रिल शीट को दरवाजे पे रखें, फिर उस शीट के अनुसार मार्किंग करें और होल्स बनाएं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस। बैक पैनल लें और अंदर की ब्रैकेट प्लेट को अनस्क्रू करें। फ्रंट पैनल को लें और केबल को ड्रिल्ड होल से पास करें, फिर उसे ध्यान से ब्रैकेट प्लेट के गैप में डाल दें। अंदर की ब्रैकेट प्लेट को ठीक से अलाइन करें और उन्हें स्क्रू के साथ फिट करें। अब केबल को बैक पैनल केबल स्लॉट से कनेक्ट कीजिए। फिर बैटरी कवर निकालें, बैक पैनल को ब्रैकेट के अलाइनमेंट के अनुसार रखें और स्क्रू से फिक्स करें। बैक पैनल की पोजीशन के अनुसार स्ट्राइकर को दरवाजे की फ्रेम पर अलाइन करें। ऑटो लॉकिंग मैकेनिज्म के प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए यह जरूरी है कि आप स्ट्राइकर को लॉकिंग बोल्ट से अलाइन करें। स्ट्राइकर के स्क्रू पोजीशंस मार्क करें और फिर उसे स्क्रू से फिक्स करें। फिर बैटरी कवर निकालें और उसमें 4 AA बैटरीज डालें। टोल फ्री नंबर बैटरी के बैक पैनल पे दिया गया है, इससे आप हमारे 24/7 कस्टमर केयर नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। सेफ्टी कॉशंस। किसी भी शार्प चीज का इस्तेमाल ना करें। बेंजीन, अल्कोहल तथा करोसिव पदार्थ वाले सॉल्यूशन से सफाई ना करें। लॉक में पानी ना जाने दें। टेक्निकल सहायता के बिना लॉक को रिपेयर या ना खोलें। ऑल्स या पिंस से बटन ना दबाएं। अब हमने क्यू डॉट डिजिटल लॉक सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिया है। क्यू डॉट डिजिटल लॉक का उपयोग कैसे करें? पासवर्ड को रजिस्टर करने या बदलने के लिए, ये ध्यान रखें कि जब आप पासवर्ड रजिस्टर या बदल रहे हों तब दरवाजा खुला रहे। बैटरी कवर खोल के पीछे रजिस्ट्रेशन बटन दबाएं। रजिस्ट्रेशन बटन दबाने के बाद अगले 10 सेकंड में 4 से 12 डिजिट्स का नया पासवर्ड डालें। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए स्टार दबाएं। याद रखें, मैक्सिमम 4 पासवर्ड्स रजिस्टर किए जा सकते हैं। कीपैड एक्टिव होने पे ही पासवर्ड डालें। रजिस्ट्रेशन बटन दबाने के 10 सेकंड के अंदर पासवर्ड रजिस्टर करना होगा। मल्टीपल पासवर्ड्स ऐड करने के लिए सारे स्टेप्स फिर से रिपीट किए जाएंगे। फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के लिए बैटरी कवर खोलने के बाद रजिस्ट्रेशन बटन दबाएं। वॉइस कमांड के अनुसार सेंसर पे अपनी उंगली रखकर 3 बार स्कैन करें। अब स्टार बटन दबाएं और बीप साउंड आए तो समझिए कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। याद रखें, मैक्सिमम 100 फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान मौजूदा फिंगरप्रिंट्स डिलीट नहीं होंगे। रजिस्टर RFID कार्ड। बैटरी कवर खोलकर रजिस्ट्रेशन बटन दबाएं। एक बीप साउंड के बाद RFID कार्ड को रीडर पे टैग करें। स्टार दबाएं और बीप सुनते ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। याद रखें, मैक्सिमम 100 RFID कार्ड रजिस्टर कर सकते हैं। पासवर्ड RFID फिंगरप्रिंट डिलीट करने का प्रोसेस। पासवर्ड डिलीट करने के लिए बैटरी कवर खोलें और रजिस्ट्रेशन बटन दबाएं। RFID कार्ड डिलीट करने के लिए 8 दबाकर 5 सेकंड के लिए हैश दबाएं। फिंगरप्रिंट्स डिलीट करने के लिए 9 दबाकर 5 सेकंड के लिए हैश दबाएं। आइए जानते हैं क्यू डॉट डिजिटल लॉक के एडिशनल फीचर्स। फोर्स्ड लॉक फंक्शन दरवाजे के बाहर से एक्टिव होता है। ये फीचर चाइल्ड लॉक के समान है जो ओपन या क्लोज बटन को फ्रीज करता है और आपको अंदर से दरवाजा खोलने से रोकता है। फीचर को एक्टिवेट करने के लिए कीपैड टच करते वक्त ख्याल रखें कि दरवाजा लॉक्ड हो। अब पासवर्ड डाल के हैश और 0 दबाएं। फंक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए फिंगरप्रिंट, पासवर्ड या RFID कार्ड का इस्तेमाल करें या फिर मैनुअल थंब टर्न से दरवाजा खोलें। फोर्स्ड लॉक फंक्शन दरवाजे के अंदर से एक्टिवेट होता है।
ये एक प्रिवेसी फंक्शन की तरह काम करता है जो आपके लॉक के फ्रंट पैनल को फ्रीज करता है और ये पासवर्ड, फिंगरप्रिंट्स या RFID कार्ड से भी बाहर से लॉक खोलने से रोकता है। इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए ध्यान रखें कि दरवाजा बंद हो। अब ओपन या क्लोज बटन 3 सेकंड के लिए बीप बजने तक दबाएं। इस फंक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए दरवाजे को मैनुअल थंब से खोलें या ओपन या क्लोज बटन दबाएं। अन्य फीचर्स, वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए पासवर्ड डाल के #3 दबाएं। वॉल्यूम कम करने के लिए पासवर्ड डाल के #6 दबाएं। RFID डिटेक्शन, इस फंक्शन के 2 ऑप्शंस हैं। ऑटो डिटेक्शन एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड एंटर करें और 2 बार हैश दबाकर 1 दबाएं। मैनुअल मोड एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड एंटर करें और 2 बार हैश दबाकर 3 दबाएं। इस लॉक में 5 तरह के अलार्म्स हैं। डोर लॉकिंग स्टेटस अलार्म, यदि दरवाजे का डेड बोल्ट पूरी तरह बाहर न आए तो अलार्म चालू हो जाएगा। बोल्ट को रीअलाइन करने के लिए आप नॉब को मैनुअली रोटेट कर सकते हैं। यदि ये प्रॉब्लम रेपिटेटिव है तो अपने नजदीकी कस्टमर केयर से संपर्क करें। लो बैटरी इंडिकेटर, अगर लॉक की बैटरीज लो हो जाती हैं तो यह आपको अलार्म बजा के संकेत देगा। तब इंश्योर करें आप चारों बैटरीज रिप्लेस कर दें। ब्रेक इन अलार्म, अगर कोई लॉक को अबनॉर्मल तरीके से खोलने की कोशिश करे तो लॉक आपको 80 डेसिबल तक अलार्म बजाकर संकेत देगा। ब्रेक इन अलार्म को डीएक्टिवेट करने के लिए बैटरी निकालें या पासवर्ड, फिंगरप्रिंट्स, RFID का यूज करें। हाई टेम्परेचर अलार्म, आग लगने की स्थिति में अलार्म ऊंची आवाज में बजेगा और सेफ एग्जिट के लिए दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाएगा। फोर्स्ड लॉक मोड पर होने पर भी दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाएगा। स्मार्ट फ्रीज, यदि आप गलत पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, RFID से दरवाजा खोलने की कोशिश 5 बार से ज्यादा करते हैं तो दरवाजा 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाएगा। आप फिर 1 मिनट के बाद ही लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। इमरजेंसी बैटरी जंप स्टार्ट, बैटरी के खत्म होने पर या फिर लॉक काम ना करने पर इमरजेंसी जंप स्टार्ट के लिए 9 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करें। बैटरी आउटलेट पर 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करें। अब पासवर्ड डालें, फिर स्टार दबाएं। जब बीप साउंड आए तब लॉक अनलॉक हो जाएगा। आप अपने Q.Lock लॉक को अपने मोबाइल ऐप क्यूबा स्मार्ट Q.Rim लॉक से भी एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। ध्यान रखें कि आपकी वाईफाई की स्पीड 2.4 GHz हो। मोबाइल ऐप पर रजिस्टर या लॉगिन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉक पर 7 दबाएं जिससे लॉक एक्टिवेशन इनिशियलाइज होगा। फिर मोबाइल ऐप लॉक को ब्लूटूथ से अपने आप डिस्कवर कर लेगा। ब्लूटूथ आइकॉन एक्टिव होने पर ये लॉक कनेक्ट होता है। लॉक को इंटरनेट से जोड़ने के लिए Q.Smart ब्रिज से कनेक्ट करें। लॉक के 7 से 8 मीटर के रेडियस में ही ब्रिज को आउटलेट से प्लग करें। स्मार्ट ब्रिज को मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करने के लिए क्यूबा स्मार्ट डॉट रिम लॉक ऐप खोलें और होम पेज पर प्लस बटन दबाएं। रजिस्टर द मॉड्यूल पर प्रेस करें। फंक्शन सेटिंग्स चुनें। कनेक्ट स्मार्ट ब्रिज दबाएं। नाम एंटर करें। अब Q.Connect GW100 सेलेक्ट करें। सही वाईफाई चुनें और पासवर्ड डालें। अब कुछ ही समय में स्मार्ट ब्रिज रजिस्टर हो जाएगा। स्मार्ट ब्रिज कनेक्ट होते ही ऐप स्मार्ट ब्रिज का आइकॉन दिखाएगा। यदि कनेक्टेड ना हो तो स्मार्ट ब्रिज रीसेट करके दोबारा ट्राई करें। स्मार्ट ब्रिज को रीसेट कैसे करें? स्मार्ट ब्रिज को पावर आउटलेट से अनप्लग करें। स्मार्ट ब्रिज के साइड के बटन को प्रेस और होल्ड करें। बटन दबाने के साथ ही स्मार्ट ब्रिज को आउटलेट में प्लग करें और 5 सेकंड रुकें। यदि स्मार्ट ब्रिज की 3 लाइट्स उसी समय 5 बार फ्लैश करे तो समझें कि इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अब चलिए मोबाइल ऐप के फीचर्स देखें। स्मार्ट एक्सेस आपके फैमिली मेंबर्स और गेस्ट के लिए 3 प्रकार के स्मार्ट पासवर्ड हैं। फैमिली मेंबर्स अपने स्मार्टफोन पे मेंबर की से लॉक एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर की एक्टिवेशन से आपके फैमिली मेंबर्स लॉक एक्सेस करने में सक्षम रहेंगे और गेस्ट की से कुछ दिनों तक एक्सेस कर सकते हैं। गेस्ट की आपके गेस्ट को कुछ समय के लिए लॉक एक्सेस करने के लिए सक्षम करता है और OTP से विजिटर्स को टेम्पररी 1 टाइम एक्सेस मिलता है। यूजर मैनेजमेंट, यह टैब आपको उन लोगों की लिस्ट बताएगा जो आपके लॉक पर रजिस्टर्ड हैं। एडमिन यूजर सेटिंग्स में मॉडिफिकेशन कर सकता है जबकि यूजर सिर्फ लिस्ट देख सकता है। रियल टाइम अलार्म नोटिफिकेशन, जब लॉक को गलत पासवर्ड या अबनॉर्मल तरीके से खोलने का प्रयास किया जाएगा तब अलार्म ट्रिगर होगा और मोबाइल ऐप आपको नोटिफाई करेगा।
फंक्शन सेटिंग्स के एडिशनल फीचर्स, स्मार्ट टच, जीपीएस और ब्लूटूथ की मदद से यह फंक्शन मोबाइल ऐप के टच पैड को टच करने पे दरवाजा खोल सकता है। बैटरी लेवल व्यू, यह फीचर आपको लॉक का बैटरी लेवल बताता है। इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स्ड लॉक सेटिंग, ये एक प्रिवेसी मोड है जो लॉक के बाहर से लॉक के फ्रंट पैनल को फ्रीज करके ऑथेंटिकेशन मोड को ब्लॉक करता है। एक्सटर्नल फोर्स्ड लॉक चाइल्ड लॉक जैसा है, अंदर के ओपन बटन को डिसेबल करता है। डोर लॉक वॉल्यूम, ये डोर लॉक के वॉल्यूम का लेवल एडजस्ट करता है। शेयरिंग एंड रिसीविंग पुश अलार्म, ये फीचर आपको एक्सेस हिस्ट्री यूजर के साथ शेयर या रिसीव करने में मदद करता है। व्यू अनलॉकिंग हिस्ट्री, दरवाजा कितनी बार अनलॉक हुआ है ये लिस्ट दिखाता है। होम पेज पे जाएं और हिस्ट्री आइकॉन दबाएं और अनलॉकिंग रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करें। अब आप अपना Q.Digital Lock इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।